What's up guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing best and absolutely awesome. So guys, finally we are out with another artwork. So aaj ka jo artwork hai wo basically to colored portrait hai hamara, lekin hamare jo abhi tak ke jitne bhi is saal ke jitne bhi artworks hai aur abhi tak ke hamare channel pe jitne bhi artworks hain usse kafi had tak alag hai. Kabhi maine socha nahi tha main is artwork ko bhi create kar paunga, lekin abhi recently last month ही मुझे इस artwork को बनाने का idea मिला, क्योंकि मैंने actually ये movie देखी. तो it is called Dark Knight. Dark Knight में एक character है, आपको अगर आपने देखी होगी movie, उसमें character है Harvey Dent का, Two Face character. जब मैंने वो movie complete की तो मैंने ये सोचा कि जो Harvey Dent का Two Face character है, it is a good difficult portrait to go for. तो इस week मैंने अपने आप को एक challenge दिया अपनी capability देखने के लिए कि मैं किस हद तक की डिफिकल्टी के लेवल को रीच कर सकता हूँ. तो वो चीज़ चेक करने के लिए मैंने इस बार ये टू फेस कैरेक्टर लिया. सो अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो दिस इज माय ड्राइंग, अगर आप देख सकते हैं. तो मैंने क्यों यही कैरेक्टर यूज़ किया, क्योंकि बेसिकली अगर एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं आप लोगों को भी ये चीज़ एक टिप के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अगर आप अपने लेवल पे जितने भी आर्टवर्क्स क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कभी कभी किसी टाइम आपको एक डिफिकल्ट पोर्ट्रेट भी ट्राई करना चाहिए अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी लेवल को टेस्ट करने के लिए कि आप किस हद तक की डिफिकल्टी लेवल को रीच कर पाते हैं, वो चीज़ देखने के लिए. तो अभी इस वीक मैंने ये चैलेंज खुद को दिया ये देखने के लिए कि मैं कितना डिफिकल्टी लेवल को अप्रोच या रीच कर सकता हूँ. क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेरे माइंड में क्या था कि मेरे को अपने आप से ये डर हटाना था कि मैं डिफिकल्ट पोर्ट्रेट बना पाऊंगा कि नहीं. तो दैट्स व्हाई आई हैड चोज दिस पोर्ट्रेट फॉर माय दिस वीक्स आर्टवर्क कंटेंट. तो वैसे तो बहुत टाइम लगा, ये बात तो सच है, जाहिर सी बात है, बहुत टाइम लगा मुझे इस आर्टवर्क को क्रिएट करने में. ये वाला पार्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू क्रिएट, क्योंकि इसमें हर चीज़ की डिटेल बहुत बारीकी से देखनी पड़ी थी. बट ये था कि एन्जॉयबल बहुत था, क्योंकि मैंने एंड आई रियली से दैट कि मैंने इस डिफिकल्टी को सच में दिल से एन्जॉय किया. इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस टू क्रिएट माई दिस आर्ट वर्क. सो अब मैं वीडियो में आपको अपनी बाकी बताऊँगा, बाकी की परफॉर्मेंस की मेरा आर्ट वर्क कैसा रहा. वीडियो में जाने से पहले बस मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने पिछली वीडियो जो सुशांत सिंह राजपूत आर्ट वर्क क्रिएट किया था उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे भी प्यार दें. वीडियो के एंड में वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. आई थिंक हम लोग काफ़ी हद तक 500 तक पहुँचने वाले हैं, तो मेरा ये भी इनिशियल टारगेट ये है कि मैं 500 की जो जड़ी है वो पार कर दूँ, ताकि मैं थोड़ा सा फिर फ्रीली होकर आराम से काम कर सकता हूँ. तो ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो सकता है. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स एन्जॉय द वीडियो.